मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक 25 वर्षीय युवक का आधा जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला मथुरा का है। फरहा थाना क्षेत्र के सलेमपुर में सरकारी स्कूल के पीछे एक 25 साल के युवक का शव मिला, वो भी आधा जला हुआ। जैसे ही खबर इलाके के लोगों को लगी तो पूरा गांव घटना स्थल पर पहुंच गया, जिसके बाद फरहा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना स्थल पर पुलिस फौरन पहुंच गई। पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है, किसी ने इस युवक की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की, मगर शव पूरी तरह से जल नहीं पाया। सर, एक अज्ञात शव मिला है, अधजला क्या है सर? ये सलीमपुर में एक अज्ञात शव मिला है, पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराया जा रहा है, उसकी फोटो सब जगह अपलोड कर दिया गया, सारे सोशल मीडिया पर, अभी पहचान नहीं हो पाई है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पोप सिंह। कहाँ के निवासी हो? यही गांव सलेमपुर। क्या मामला है जो यहाँ पुलिस आई हुई है? आज रात में कोई 20-22 साल का लड़का है, उसको जला के यहाँ रास्ते में डाल गए। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उनको पता चला है, तो पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई है, उसको सील करके ले जा रहे हैं। सब यहाँ का ही है कि कहीं बाहर का है? सब यहाँ का नहीं है, कोई पहचान में नहीं आया किसी के में। तमाम भीड़ हुई है सुबह से, किसी की कोई पहचान भी नहीं आई। पुलिस ने शव की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, पहचान हो सके कि युवक कहाँ का रहने वाला है। युवक के शरीर पूरी तरह से जल चुका है, मगर चेहरा बचा हुआ है, जिससे पुलिस को उम्मीद है कि सुराग मिल सकता है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही शव की पहचान होगी उसके बाद ही कातिलों का पता चल सकेगा। पुलिस कह रही है कि गहराई से इस मामले की छानबीन करेंगे और जल्द ही इस युवक की हत्या करने वालों का भी खुलासा करेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।